आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श आपको। विश्व रंग 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। आप इतनी अस्वस्थता के बावजूद भी हम मेरे से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, मैं हृदय से आपकी बहुत आभारी हूँ। ये तो आपके नाम और काम से तो सभी हिंदी प्रेमी परिचित हैं। आपका परिचय देने के लिए मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझती हूँ। आपने ट्रिनिडाड में हिंदी और संगीत की ज्योत जगाई है। यहाँ पर आपके बहुत सारे शिष्य हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, 4 महाकाव्य लिखे हैं। आपका एक महाकाव्य रघुवंश शिरोमणि तो अभी कुछ दिनों पहले ही पूरा हुआ है। गुरुजी, क्या आप उस महाकाव्य के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे? अवश्य। मैंने अभी ये 7 महाकाव्य लिखे थे मैंने, तो वो उनका अपना एक इतिहास है और उसे मैं उजागर करने में कभी संकोच नहीं करता हूं, क्योंकि ये मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार में उत्पन्न हुआ था और दैवयोग से मुझे पत्नी बड़े उच्च कुल परिवार की मिली, मतलब मीन्स अर्थ है उसका धनाढ्य और बड़े अच्छे परिवार से। तो मेरे पास तो उस समय एक अध्यापक था, इतना धन नहीं था कि मैं कोई हीरे मोती दे सकता। तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें ऐसा उपहार प्रदान करूँगा, पूरा संसार तुम्हें स्मरण रखेगा। तो मैंने अनुराग नामक अपना पहला महाकाव्य लिखा और वो बहुत चर्चित रहा। उसमें उसका प्रथम संस्करण, जो कि बड़ा असामान्य बात है, 1000 प्रतियां छापी थी, जो वो सब की सब बिक गई थी और उसमें उसे प्रोफेसर ने मुझको लिखा, उसे उन्होंने प्रेमियों की गीता का जी। वास्तव में उसमें अनुराग है, वो श्रृंगार रस का काव्य है, लेकिन श्रृंगार मेरा सदैव शांत रस में शांत होता है, समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से मैंने 7 महाकाव्य लिखे जो उनके नाम के पहले अक्षर से आरंभ होते हैं। बड़ी बड़ी ही ऐसा कोई, मैं समझता हूँ कोई एक पागल प्रेमी तो मिला नहीं जिसने किया ऐसा। उनके नाम से प्रथम अक्षर से आरंभ करके 7 काव्य लिखे, तो निर्वाण महाकाव्य आया जो बहुत ही चर्चित प्रचलित हुआ। उसमें महात्मा बुद्ध की कथा है, एक नए परिप्रेक्ष्य में है जी। उसको सामान्यतः लोग उन्हें नास्तिक मानते जी, किंतु मैंने उनका दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वो नास्तिक नहीं थे और उसको सिद्ध किया है जी। तो पहला निर्वाण है, फिर रस है, अंत में रघुवंश शिरोमणि आया जी, जी। फिर उनके तीसरे अक्षर से महारानी दमयंती आया जी। और चौथे अक्षर से ललित गीत रामायण आया और पांचवें अक्षर से आशय अनुराग आया। फिर अगले अक्षर से देशे देवी सावित्री आया और शासे शकुंतला। सातों ही मांग बहुत चर्चित और प्रशंसित हुए
भारत के विश्वविद्यालयों, क्योंकि भारत में तो रहता नहीं, तथे मेरी चर्चा कोई नहीं जानता, मेरा नाम भी बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन विश्वविद्यालयों में उनका पठन हुआ, उस पर शोध कार्य हुआ, लगभग सारे महाकाव्यों पर शोध कार्य हुआ। लेकिन अभी एक बात और आपको विस्मयान्वित करेगी जी। मैं ऐसी स्थिति में हूँ पिछले 8-9 वर्ष से जी, कि मुझे चलना फिरना कठिन, अब तो मैं करवट भी अपने आप नहीं ले सकता जी, जी, जी। लेकिन अभी फरवरी के महीने में मेरी पत्नी को की दशा बहुत चिंतनीय थी जी, उनको अस्पताल जाना पड़ा जी। तो जाने से पूर्व उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि रघुवंश यमुनी एक इतना महान काव्य है, उसे सुपर एपिक कहा जाता है जी। और इसे यूनिवर्सिटीज में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जी, और अदर यूनिवर्सिटी में उसको जो सेमिनार हुआ था इंटरनेशनल, एक सेशन में, एक सत्र में वाल्मीकि रामायण, दूसरे प्रोफेसर ने तुलसी की रामायण, तीसरे रघुवंश यमुनी पर विशेष चर्चा की। और आश्चर्य जी, मुझे आश्चर्य भी है, हर्ष भी है जी। एक कवि के नाते कि इसको 21वीं सदी की रामायण कहकर इसको संबोधित किया गया जी। तो मैं कह रहा था एक और बात हो गई, जबकि मैं, मुझे कठिन है बोलना भी लिखना भी, और मुझे आजकल मोतियाबिंद का भी प्रभाव हो गया है, तो दिखाई भी कम पड़ता है। तो उनकी रिक्वेस्ट थी, उनकी उनकी एक प्रार्थना थी, तो उन्होंने कहा आपने मुझे साथ ये महाकाव्य प्रदान किए हैं, तो जहाँ तक 6 का प्रश्न है ठीक, लेकिन रघुवंश यमुनी के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ, तो अगर आप एक 100-200 प्रश्न का भी कोई साधारण सा महाकाव्य लिख दें तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। अभी मेरे लिए बड़ी भारी ये चुनौती थी, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता जी, बैठ नहीं सकता जी, देख नहीं सकता, तो फिर भी मैंने उसको एक नया भाग का आरम्भ किया, रविनंदन कर्ण जी, और रा से अक्षर मिल गया, तो उस रविनंदन कर्ण को, ये मेरा 8वां महाकाव्य है जी। देखिए प्रभु की इच्छा, देखिए हनुमान जी ने मुझसे रघुवंश यमुनी लिखवाया जी, उसका उसकी तो पूर्व पीठ का यह है कि 1984 ईस्वी में जी 28 दिसंबर को मैं भारत में हो आयोजित पहला जो विश्व सम्मेलन था रामायण का, उसमें आमंत्रित था जी। तो उसमें मैं विशिष्ट अतिथि था, 35 देशों के विद्वानों ने भाग लिया था, प्रोफेसर चरिशेव रशा के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, तो उसका उस 28 दिसंबर को हुआ था वाल्मीकि भवन में, जहाँ के तो आजकल भी जो मुख्य जो संत हैं महंत नृत्य गोपाल दास वो थे वहाँ, तो 28 दिसंबर को कनक भवन में जो मंदिर है वहाँ पर इसका एक सत्र आयोजित किया गया, क्योंकि 27 दिसंबर को संभवतः पंचमी थी और वो श्री राम सीता जी के विवाह की ज्योति जयंती थी जी, तो इसलिए वो मंदिर उपलब्ध नहीं हुआ था। बड़ा भव्य मंदिर है, कनक भवन को दशरथ जी ने कैकेयी को भेंट किया था जी, तो बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा, तो वो तो उसमें मैं दूसरे दिन आमंत्रित हुआ। मैं बड़ा भाग्यशाली था कि जिस मंडप में जो विवाह होता है उनका, उस मंडप पे मुझे और बैठने का अवसर मिल गया, और जो हनुमान जी के अवतार माने जाते थे श्री राम शंकर उपाध्याय,
बहुत महान विद्वान इसके मैंने कभी नहीं देखा। उनके भाषण को मैं भी ऐसा सुनता था, निर्निमेश देखता था, बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो उनके साथ मेरा भी व्याख्यान था जी। लेकिन उससे मेरे मन में एक भावना आई आशा जी, मैं जब कभी किसी विश्व सम्मेलन में जाता हूँ अपना संगीत का रहस्य किसी को नहीं बताता, मैं एक संगीतकार भी हूँ। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, आने से पूर्व में श्रीनगर कश्मीर में हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट था जी, जी। और ऑल इंडिया रेडियो का कलाकार भी था, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ, यहाँ के लोगों को संगीत से परिचय। उसके हमारे मन में एक भावना आई कि सब लोग यहाँ पे आते हैं, श्री राम और सीता जी को कुछ चढ़ाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं लाया जी। तो मैं श्री राम का भक्त हूँ, तो मैंने कहा आज मैं अपनी दो रचनाएं अपनी हैं जी, मैं उनकी सेवा में अर्पित करूँगा और गा के करूँगा। और बड़ा सब बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जो कि हमारे जो इसके आयोजक थे जी, तो वही इसके जो थे जी, उसका संचालन कर रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आदेश जी बहुत बड़े संगीतकार हैं जी, जी, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ वो दो गीत सुनाए श्री राम जी। मैं अचंभित हो गया। तो उन्होंने हारमोनियम ऊपर लाने को कहा जी, मंडप पे। मन का नहीं कुछ इतना ही है कि अध्याय में ऐसे थे बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके चरणों में बैठ के बैठना भी बड़ा भाग्य की बात है जी। तो बड़े बड़े संत वो उसमें जो पखावत से तबले से संगत कर रहे थे, तो उनके साथ जाके बैठा जी। और जो दो गीत मैंने गाए हैं इतना ही कह सकता हूँ, मैंने कि एक बार पहले गाए थे जब मुझे अपने सदगुरु मिले थे और उस दिन गाए, उसके पश्चात कभी नहीं गाए। इतना सुंदर दीवारें गा रही थी, महारानी भार्गवा सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, वो रुक गई, उन्होंने आके कहा कि ये कौन, ये तुलसीदास आ गए फिर से जो उनका ऐसा जो गायन हो रहा था। अस्तु मैं बड़ा प्रसन्न था। फिर मुझको जब गर्भगृह में जहाँ उनकी मूर्तियां हैं जी, तो मुझे और मेरी पत्नी को ले जाया गया जी। तो उन्होंने मुझे ये श्री राम जी पर जो बड़ी माला बहुत होती ना मनुष्य के मानव के पुलाई जो कनकद की, तो मुझे पहनाई, तो इतनी भारी थी वो तो पकड़ नहीं पाया। खैर वो पहनाई और दूसरी पहनाई सीता जी की मेरी पत्नी को जी। तो वो दोनों मालाएं गायब हो गई, तो एकदम से कोई ले गया। तो दूसरी माला मैंने पकड़ी हॉलैंड में, जब मैं हॉलैंड गया तो फिर बहन जी ने बताया कि आपकी वही माला है। अच्छा, उन्होंने उसको उसको जो था कपड़े में सी के टांग रखा था। तो मुझे वहां पे सबसे बड़ी उपलब्धि हुई जी, जी, कि रामकंकर जी का मैं बड़ा भक्त था जी, जी, जी। अब तो उनका दिवंगमन हो गया, लेकिन अभी भी उनका प्रशंसक हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो इसके महासागर हैं। तो बोले आप भी कम नहीं है। तो उन्होंने वहां पे मुझे मानस मनीषी की उपाधि प्रदान की थी जी। उन्होंने दी। इस प्रकार से कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैं मस्त था, जिसको शब्द मस्त कहते हैं उर्दू में, संग हिंदी में तो कोई ऐसा शब्द अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मस्ती थी जो कभी मैंने महसूस अनुभव नहीं की थी। तो सब लोग जा चुके थे बस में बैठने को और जो टैक्सियों में बैठने को, सब मेरा प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अपने गुनगुनाता हूँ बाहर निकला, सिर्फ मैं था वहाँ। तो मैं जब निकला वहाँ से तो किसी ने पीछे से मेरे मेधा पे हाथ रखा जी। तो मेरे शरीर में एक स्पंदन हुआ,
एक जैसे विद्युत तरंगे दौड़ गई। मैंने देखा मेरा जो कद है 6 फीट है जी। तो मैंने उसको ऐसे उठा के देखा तो देखा एक बड़ा महापुरुष, उनका वर्णन जैसा कि किष्किंधा कांड में आया है हनुमान जी। मैंने देखा, इसके अतिरिक्त एक बात और बताऊं, मेरा ना पूरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं और इन सम्मेलनों में जा भी गया तो लोग जानते प्रोफेसर आदेश। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे कहा हरिशंकर, चौंक गया, तुम्हें पाश्चात्य द्वीप में और पाश्चात्य देशों में इसलिए भेजा गया है, सरकार ने भेजा है, यहाँ सरकार का होता था श्री रामचंद्र, उन्होंने भेजा है कि तुम उनके ऊपर जो दोषारोपण है कि सीता को वनवास देने का, शंभू को मारने का, इन सब दोषारोपण से उनको मुक्त करो, इसलिए उन्होंने तुमको भेजा है। तो वो प्रेरणा थी पास। तो मैंने कहा मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मदद का सहायता करूँगा। और उसके पश्चात मैंने कनाडा लौटते ही मैंने वो आरम्भ कर दिया। तो रघुवंश शिरोमणि में 35 वर्ष लगे, मेरे किसी महाकाव्य में इतने समय नहीं मिला, तो उसे 35 वर्ष लगे। मैंने कम से कम 200 से अधिक पुस्तकें पढ़ी, लगभग सारी रामायण पढ़ी जी। उसके पश्चात मैंने आरंभ किया, लेकिन 10 वर्ष जो मैं बहुत बीमार था जी। तो मैं रात को 2:30 बजे उठता था जी। क्योंकि 2 बजे मेरे मैं पहले कह के सोचता था हनुमान जी अब आगे नहीं लिख सकता मैं कुछ जी। तो आशा जी मुझे एकदम से करीब 2:30 बजे के बीच में प्रातःकाल एक पंक्ति मिलती थी जी। परफेक्ट पूरी पंक्ति मिलती थी और मैं उठ जाता था और उस पंक्ति को लेके मैं चुपचाप, जैसे कहते हैं टिपटो, ताकि आवाज ना हो, क्योंकि पत्नी वही थी और मैं बहुत अस्वस्थ था तो मुझे आज्ञा नहीं थी उठने की, तो मैं उठ के जाता था, कंप्यूटर पर बैठ गया। तो 5:30 बजे देखा जब पत्नी उठ रही है, उससे पहले आके लेट जाता था। तो 10 वर्ष तक मैंने इस प्रकार से पूरा किया और उसमें जो बहुत मैंने अध्ययन किया और हनुमान जी की महत कृपा रही, तब वो ग्रंथ बन गया, अब 1500 पृष्ठ का बन गया। तो आप खुश हो प्रकाशित कौन करे, तो प्रकाशित करने के लिए सब लालायित थे, लेकिन तीन भागों तो हमको डॉक्टर कमर किशोर गोयन का, जो अच्छे मित्र हैं, उन्होंने निर्वाण छापा था हमारा। अच्छा। तो उन्होंने कहा आदेश जी चाहे कुछ भी हो इसको एक पे छपाई है, कोई नहीं दूसरा खरीदेगा और न पढ़ेगा जी। तो फिर एक पृष्ठ पे 2 पृष्ठ छापे, इस प्रकार से 700 से अधिक पृष्ठ हो गए जी। तो ये प्रकाशित हुआ और इसकी चर्चा पर्याप्त रूप से बाकी विश्वविद्यालय में है। और अब जो है दूसरी वस्तु इसमें है, इसमें रघुवंश शिरोमणि यदि जो भी पढ़ेगा उसको ध्यान से, उससे पूरा समाज का दर्पण होता ना साहित्य, तो उसे पूरा समाज का दर्पण दिखाई पड़ेगा। उसमें एक विश्व शांति की योजना है श्री राम के द्वारा और उसमें बहुत कुछ इतिहास है जी। बहुत कुछ उसमें भावी योजनाएं हैं जी। उसमें मैंने वो सीता जी का जो वनवास तो किसी ने लिखा ही नहीं है, वाल्मीकि जी ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया अपना महाकाव्य कह के कि वो लंका में रावण को मारा, सीता जी राम और श्री राम जी अयोध्या लौटे और 10 सहस्र वर्ष तक राज्य किया, कहाँ पे आता वनवास। तुलसीदास जी ने खत्म कर दिया कि उनके 2-2 बच्चे हुए सबके, तैसे समाप्त हो गया। तो ये कहाँ से आ गई कल्पना, ये जो कल्पना है श्री राम जी को जो है कि उनका अपयश फैलाने की कल्पना है सारी जी।
और हिंदू शास्त्रों को पहला थी। ये उस समय से आई जब जैन और बौद्धिस्ट जो ये दर्शन जिस संस्थाएं सामने दर्शन ही संस्थाएं सामने आई जी, तो उनका उद्देश्य बन गया कि इन चरित्रों का विघटन करना। उदाहरण के लिए हनुमान जी को बड़ा दुश्चर्य दिखाया गया है एक उसमें वो तो हम मलेशिया की रामायण में उसमें कि वो इतने चरित्रहीन है जहाँ भी जाते हैं उनके एक बच्चा होता था, यहाँ तक मंदोदरी के भी था। एक रामायण कहती है कि वो श्री राम जी के बेटे थे और इस प्रकार से बड़ी ही उनके बाद भ्रांतियाँ। तो श्री राम जी का जो है उसमें तो मैंने वनवास की बात नहीं रखी है और उसके उसका जो प्राकथन है उसमें लंबा चौड़ा है, उसका मैंने तर्कपूर्ण उत्तर दिया है, लोगों ने माना है। इसी प्रकार शंभू की रथ जो शूद्र को मारा जी, वो बिल्कुल कहीं नहीं आता है। एक शूद्र को निषाद को गले लगाते हैं, शबरी के झूठे बैर खाते हैं और वो तो कैसे किसी शूद्र को मारेंगे। यथार्थ है, मैंने अध्ययन किया जी, कि शंभू की यात्रा समा शंभू का बदवी का वो लेके लोग लेके गए वो जो पुष्पक विमान जी, शंभू का पिता उसको कष्ट दे रहा था जी। तो उसमें एक रामायण में ऐसा आता है कि शंभू के पिता को दंड दिया गया, लेकिन मुख्य स्रोत में नहीं है शंभू का नाम कहीं नहीं। तो इस प्रकार उनके नाम के जो लगाए गए मैंने सब कुछ हनुमान जी के पास है एक बड़ा ही स्वच्छ रूप प्रस्तुत किया है जी। और जो उसमें अतिशयोक्तियाँ हैं उनको भी मैंने कम किया है। मैंने तुलसीदास जी का कथानक तो लिया है, पूरी तरह से नहीं लिया है। तो उसमें मेरा कहना चाहता मैंने उनका जो है वो उनकी रामायण तो वो बहुत ही महान पुस्तक है, तो मैंने इसको कहा है ये साहित्य, ये जो है साहित्य का महाकाव्य है, क्योंकि इसका काव्य संयोजन कविता और इसका साहित्यिक इसका जो स्तर है बहुत ऊंचा है, मतलब सामान्य लोगों के मैं तो ऊंचा कह नहीं सकता अपना, लेकिन अनसाम उसमें कठिन है, इसलिए मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी दे दिए मैं और उसमें 110 छंदों का मैंने प्रयोग किया है जी। 110 छंदों का हर छंद के नीचे नाम लिख दिया है। तो इस प्रकार से मैंने ये उनका जो अब का लवकुश और अंतिम जो उनका शासक हुआ बाहत की कथा मैंने इसमें लिखी है। तो रघुवंश की कथा लिखी है, रघुवंश शिरोमणि श्री राम की कथा लिखी है और इसमें महाकाव्य के सारे लक्षण जो कि उसमें स्वयं आ गए। महाकाव्य में सारे रस होना चाहिए, महाकाव्य में विभिन्न अलंकार होना चाहिए, विभिन्न छंद होने चाहिए, विभिन्न इसका प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, मानव प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, मनस्थितियों का वर्णन होना चाहिए, सारे रसों का प्रयोग होना चाहिए। तो सारे जो इसमें जो है वो सारे लक्षण अभी तक तो विद्वानों ने इसको सराहा है और मुझे इससे लिख के जो शांति मिली है वो अन्य साहित्य अन्य पुस्तकों को लिख के नहीं मिली। लेकिन अब जो ये आ गए तो मैं कहता हूँ प्रभु की इच्छा थी कि मैं रामायण का राम कथा लिखूं। अब श्रीमती मेरी पत्नी जो है तो उन्होंने इच्छा कर दी, तो अब मैं क्या करता। तो मैं रवि नंदन कर्ण मैंने राशि मुझे मिला, तो अब इसमें मैंने ये भी पूरा कर लिया है और ये अभी फरवरी से आरम्भ किया था, तो एक दो घंटे किसी तरह से कंप्यूटर पे 38 फॉन्ट में टाइप किया है, मैं देख नहीं सकता, तो उसको पूरा कर लिया है। इसमें महाभारत पूरी महाभारत संक्षिप्त रूप में एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, ये भगवान का काम, उसने मुझसे ये काम भी करवा लिया। तो वह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, उसका अभी संयोजन हो रहा है जी। जैसे ही वो हो गया तो वो भी प्रकाशित। तो रघुवंश शिरोमणि
जो मैंने लिखा उसके लिए मुझे बहुत ही शांति है जी। और मैं नहीं चाहता था आगे कुछ लिखूं। वैसे तो मेरी पुस्तकें लगभग 350 पुस्तकें हैं जी जी, विभिन्न विषयों पे हैं जी, बड़े बड़े ग्रंथ हैं जी, लेकिन वो जो रघुवंश शिरोमणि है मैं समझता हूँ उसके उसके समकक्ष समाप्ता। अपनी रचना को कोई बुरा नहीं कहता है, कुजड़ी अपने बेर कभी बुरे नहीं बताती है, लेकिन सारी रचनाएं अपने स्तर की हैं और रघुवंश शिरोमणि का मेरा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य नहीं करूँगा, सर्वश्रेष्ठ मेरी अभिव्यक्ति है श्री राम के प्रति जी, उनके चरणों में मेरे मेरा वो फेरी भेंट है जी, यही मैं कह सकता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर आपने उसका विवरण दिया गुरुजी, बहुत अच्छा लगा सुनकर, मुझे भी इतनी सारी बातें पता चली, बहुत खुशी हो रही है। और ट्रिनिडाड की, ट्रिनिडाड में हिंदी की स्थिति के बारे में आप कुछ कहना चाहें? अवश्य कहेंगे, हिंदी के जी, हिंदी के लिए तो हमने अपना जीवन समर्पित किया जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आया था जी 1967 ईस्वी में जी, 19 नवंबर को आया था, 21 नवंबर को मैंने भारतीय उच्चायुक्त जी, मैंने आयोग में मैंने अपनी रिपोर्ट की थी, तो मुझसे मैंने पूछा भारत में जी, ये बड़ी लंबी कथा लेकिन उसको नहीं कहूंगा कि मैं नहीं आना चाहता था जी जी। एक आप स्वयं सोचिए, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है जी जी, बिल्कुल, उसको छोड़ के कौन कहाँ जाएगा, और ट्रिनिडाड को बहुत ढूंढा मैप में मिले ही नहीं। ट्रिनिडाड को जब देखा ग्लोब में, बड़े ग्लोब में कहीं नहीं मिला, पोर्टा स्पेन मिला जी। तो फिर मैंने कहा चाहे जाए, तो ऐसे स्थान पे कौन आना चाहे, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरा इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा रोचक था, और वो उसको लोग अभी भी याद करते हैं जी। कि वहाँ पर जब मैं पहुँच गया घंटे पहले जी, तो वहाँ पर एक अनुभवी प्रौढ़ व्यक्ति आके खड़े हो गए, बोले भैया आपका नाम आदेश यहाँ आइए, तो ना हमसे बात करी, हमने जैसे कहते हैं लापरवाह हो गए, उनसे बात की, तो उन्होंने हमारा सारा परिचय पूछ लिया, यहाँ तक कि आमदनी भी पूछ ली और ये भी पूछ लिया, पत्नी का, पत्नी भी कॉलेज में लेक्चरर थी। तो फिर अंत में बोले अगर आपको भेजा जाए कनाडा तो आप जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वहीं सर देखने लगे, बोले आपको इतना बड़ा अवसर मिलेगा तो आप इंटरव्यू की देने क्यों आए? मैंने कहा यहाँ पे जो है विवाह कल मेरे भांजे का, और सरकार ने मुझे डबल टिकट दिया है फर्स्ट क्लास, तो इसलिए आ गया। बोले आप बहुत अनुभवहीन व्यक्ति है, आप, मेरी अवस्था 29 वर्ष थी जी, तो बोले आप बहुत अनुभवी भी युवक हैं, मैं आपसे बड़ा हूँ जी, मैं आपको राय देता हूँ कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप ना मत कहना जी। मैंने अच्छा भाई ओके, जैसा आप कहते हो। मैंने सूट वूट भी नहीं पहना, साधारण शर्ट पहन के गया। मेरा इरादा था, मेरा विचार था कि मैं साक्षात्कार में असफल हो जाऊं ताकि मेरे ऊपर ना पड़े, ऐसा भी कोई मिलेगा आपको? मैं क्या, जब मैं पहुंचा अंदर तो 7 मिनिस्ट्री के लोग थे जी, तो उसमें बीच में जो बैठे थे वही महोदय थे, उसके चेयरमैन थे, तो मुझसे बातें कर रहे थे। अब जो मैंने उनको देखा तो भाई आशा जी मेरे पैरों तले से जमीन खसक गई, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तो उन्होंने वो मुस्कराए, बोले आदेश ही बैठी है, तो जाके मैं बैठा शांत हुआ, मुस्कुराते रहे। फिर जो प्रश्न उत्तर हुए वो बड़े ही अच्छे प्रश्न उत्तर थे, मैंने सबका बड़ा ही ऑड जवाब दिया,
उत्तर लिया। उन्होंने कहा, पूछा एक सज्जन ने, क्या आप हारमोनियम बजा सकते हैं? मैंने कहा आप मेरा अपमान कर रहे हैं। बोले अपमान का ही का इसमें? मैंने, क्योंकि हारमोनियम तो लेडीज का, स्त्रियों का बाजा है, ये तो खुद बजता है, आप इसको पंप करो तो बजता है, बजाना क्या हुआ? आपने देखा मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मुझसे पूछो सितार कैसे बजता है, वीणा कैसे बजती है, वायलिन कैसे बजता है, पखावज कैसे बजती है, आपने हारमोनियम पूछ लिया तो मेरा तो अपमान है। तो बोले अच्छा भाई, तो आप भजन गा सकते हो? मैंने कहा आपने फिर कैसा प्रश्न पूछ लिया, भजन तो भिखारी लोग भी गाते हैं, और आप मुझसे पूछ रहे, मुझसे पूछो, बड़ा ख्याल विलंबित क्या, ठप्पा ठप्पा ठुमरी दरपद धरामा रो पूछो। तो बोले आप गा सकते हैं। वो छिड़ गए, वो मद्रास के थे, वो छिड़ गए, बोले आपका तो जो हमारे चेयरमैन थे गुप्ता जी, उन्होंने कहा देशी शांत शांत शांत, क्या आप गा सकते, आप बजा सकते हैं हारमोनियम? उनके अच्छा है ये सज्जन गाएं, और मेरा मुझे हारमोनियम दीजिए और उसको ऊपर चादर डालिए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधिए, मैं बिना किसी के की सहायता लिए हारमोनियम बजाऊंगा, ये गाय मैं अकम्पनीमेंट करूँ। तो शांत बोले शांत शांत, हम जानते हैं आपकी योग्यता, और मैं कर सकता हूँ ऐसे आंखों को पट्टी बांध के और हारमोनियम को आवरण डाल के मैं बजा सकता हूँ दोनों हाथों से। तो इस तरह के उन्होंने पूछा आप कृष्ण लीला कर सकते हैं? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप विवाह संस्कार करा सकते हैं? तो मैंने कहा ये तो इंटरव्यू उसका कल्चरल उसका है। तो बोले नहीं आप करा सकते हैं। मैंने कहा अंत्येष्टि भी करा सकता हूँ। इस तरह के बड़े वास्तवाद और बड़े लोग हंस रहे थे जी। तो फिर यानी 56 मिनट मेरा हुआ। तो अंत में पूछा उन्होंने कि अगर आपको कहा जाए आप चले जाएंगे, आपको एक जॉब मिल गया तो आप जाएंगे? तो अब मैंने उनको गुप्ता जी की ओर देखा, श्री विजय गुप्ता जी। तो मेरी तरफ देखते रहे। तो मैंने कहा मुझे विचार करने का समय दीजिए। बोला अच्छा आप जाइए बाहर विचार कर। मैं सोचा आप छुट्टी हो गई, अब घर जाके कह दूंगा नहीं। जब बाहर 15 मिनट हो गया उनका आदमी भी आ गया, तो आपने विचार किया तो बिल्कुल मुझे और समय चाहिए। तो गुप्ता जी मुझे एक अलग कमरे में ले गए। उन्होंने कहा देखो आदेश जी, आप बहुत प्रतिभावान हो, बच्चन नाट के लिए बिल्कुल फिट हो जी। आपका संगीत भी है और साहित्य भी है, दर्शन जी, भी है, रिलीजन भी है जी, सब जी, कुछ आपके पास जी। तो आपसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। तो आप फिर उन्होंने मुझे समझाया आप बहुत यंग हैं, ये जो आपको पद मिल रहा है बड़ी सिफारिशों से मिलता है जी, और बड़े बड़े डिफरेंट साधनों से मिलता है, तो आपको मिल रहा है तो आपका ये सम्मान है। फिर अंत में उन्होंने मुझको पकड़ लिया, बोले आप कवि हैं, आप भारत माता के प्रेमी हैं, तो भारत माता के नाम पे आप सेवा करने जाइए। यहाँ पे मैं हार खा गया। मैंने कहा अच्छा भाई, हाँ दिनकर जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, रंगनारी से दिनकर, आशा जी मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त था कि मैं हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मैंने कविता पढ़ी जी, नारायण पांडे के साथ कविता पढ़ी जी, राम राशि सिंह दिनकर के साथ कविता पढ़ी, तो और से कभी तो वो कश्मीर में आए थे रामदास दिनकर, तो वहाँ पे पढ़ी थी। तो उन्होंने मेरा अनुराग की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी पांडुलिपि थी आसपास से लिखित, वो मैंने ले गया था साथ। तो उन्होंने उसमें एक पुस्तक उठाई, एक कॉपी, और उसमें पढ़ा, बोले इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने उत्तर दिया नहीं। बोले तो आपकी कविता है? मैंने कहा इसलिए नहीं कर सकता। बोले क्यों? मैंने कहा ये कविता अभिव्यक्ति होती है, इससे अधिक अधिक अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता तो अच्छी कविता लिखता, लेकिन आप कहें तो आप अपनी कविता दीजिए, महादेवी जी कविता दीजिए, किसी अन्य कवि की कविता दीजिए, तो उसका इस प्रकार से
उसका मैं उसका जो आपको अर्थ बताऊंगा उसका अनुमय करूंगा पूरी तरह से, आप अपनी कविता दीजिए, ये तो मेरा अभिव्यक्ति आ ले रही है। तो मुस्कराए, बोले अच्छा आदेश जी, तो छोड़ दिया। जब बाहर आए थे तो उन्होंने मेरा पीठ थपथपाई, बोले कीप अप, ठीक बने रहो, बहुत अच्छा जा रहे हो। तो हमने सर से निकाल, तो इस प्रकार से मुझे फिर मैंने स्वीकार किया जी। बोले भारत माता के नाम पे जाओ, वहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रचार करो। तो अब मैं जब आने वाला था तो अंतिम दिन में गया, अभी मुझे करना क्या काम, बोले आप जो चाहे करें। अरे ये तो कोई काम नहीं हुआ, एक अपरिचित प्रदेश में जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता है नहीं। तो अब मैं जब आ गया यहाँ किसी तरह से जी, तो हाई कमीशन में गया तो मैंने मुझे काम क्या करना है, बोले आप जो चाहें। आप समझिए मेरी मनस्थिति। तो मेरा काम था हिंदी का प्रचार करना अंग्रेजी में बोल के, ये था, पढ़ाना लिखाना नहीं था। लेकिन मैंने जब एक घटना ऐसी हुई यहाँ पे जी, उस घटना ने मेरा मन बदल दिया जी। तो मैंने, वो घटना ऐसी थी वो उस धर्म से संबंधित थी जी। तो मैं यहाँ पर एक स्थान आपको बताऊंगा, गोपाल लैंड, इट वॉज देयर, ये था वहां पे जी। सन फर्नांडो जब जाते हैं तो वहां पे बहुत मशहूर प्रसिद्ध स्थान था। तो उसमें मैं सन फर्नांडो से आ रहा था, तो मैंने अपने शिष्य से पूछा जो गाड़ी चला रहा था कि ये सब कौन है, तो 4-5 हजार लोग बैठे, ये सब हिंदुस्तानी है जी। उसने बताया ये सब हिंदू है और ये सब, तो एवेंजलिस्ट अपना बढ़ बढ़ के लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर दे रहा। मैंने कहा क्या है, ये क्रूसेड है। तो मैंने हिंदुस्तान में नाम सुना था क्रूसेड, देखा कभी नहीं था जी। तो मैंने पूछा क्रूसेड में क्या होता है, बोलिए सब 3 दिन चल रहा है, कल सब ये कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं माउथ रिमेन ओपन, मुंह खुला रह गया। मैंने कहा भगवान अब मैं समझता हूँ तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो जी। ये मेरे शब्द थे, उससे मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। किस धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए भाषा सबसे पहली बात जी। तो यहाँ पे लोग पढ़ते थे, पढ़ाते यहाँ पे हिंदी एजुकेशन बोर्ड था जी, लेकिन जी। वो आ ही तक हो जाता था जी। तो उस प्रसाद मैंने 3 दिसंबर को जी 1967 को जी, मैंने अपने घर में 3 विद्यार्थियों से कक्षा आरंभ की जी। और फिर उनको, मेरे पास तो साधन भी नहीं थे क्योंकि ICCR कोर्स से आया था, तो ICCR के लोग दोनों जैसे सौतेले बेटे होते हैं ऐसा प्रयोग उनके साथ व्यवहार होता था। जितना भी बुरे से बुरा फर्नीचर, जितना भी आउटडेटेड थिंग, वो मुझको दे दी गई। तो मैंने, हमारे पास सिर्फ एक चादर थी बिछाने को लाए थे बिस्तर पे, तो वो बिछाई हमने, उस पर बिठाना सिखाया। और फिर रात को धोती थी मेरी पत्नी, 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, बेटा 2 साल का था, 2-2.5 साल का था, लड़की 11 महीने की थी। तो उस पर इस प्रकार से 3 विद्यार्थी शुरू किया। और मैंने हिंदी को फिर कि नहीं हिंदी सिखानी, तो जो लोग हिंदी से संबंधित थे मैंने सबको जोड़ा। मुझे प्रसन्नता यह है कि डॉक्टर दीपक पांडे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उनसे मिले थे जी। और उनसे जब मेरी चर्चा हुई थी वो पहले व्यक्ति थे जिनसे मुझे इतनी आत्मीयता मिली जी। और सब लोग सम्मान देते थे जी। तो मैंने उनको बताया था, तो मैंने कहा कि वैसे प्यासा कुएं के पास आता है जी। लेकिन कुआ प्यासे के पास जाएगा। मैंने गांव में अपने विद्यालय खोले, मैंने खड़ों के आ ई सिखाए, एक प्रोफेसर आ ई सिखा रहा है, कल्पना कीजिए क्यों लोग सफल नहीं हुए हाल में मेरे बाद, बहुत से लोग सिवाय डॉक्टर दीपक और एक और थे, 2 लोगों के अलावा कोई सफल नहीं हुआ जो मेरे स्थान पे आए, क्योंकि वो सब डॉक्टर थे,
प्रोफेसर थे, उनकी शान के खिलाफ था कि वो यही पढ़ाएं जी, कि मैंने उसके उनको सिखाया। अब प्रॉब्लम एक समस्या थी कि बिना परीक्षाओं के कोई पढ़ता नहीं, बिना परीक्षा के ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यही नहीं तो आप पढ़ते रहो पहली किताब हमेशा जी। अब मैं शिक्षा भी दूं, मैंने अपनी बैचलर डिग्री जो है उसमें भी बीएड किया हुआ है एजुकेशन, तो मैंने कहा नहीं परीक्षाएं आवश्यक है, तो मैंने राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों को लिखा और मैंने वर्धा को और दक्षिण में हिंदी प्रचार उसको लिखा, तो किसी ने हमको कि हमको चाहिए था बायलिंगुअल द्विभाषीय, तो किसी के पास नहीं था यार, तो हमने अपनी परीक्षाएं आई। मैं कभी प्रतीक्षा नहीं करता हूँ, मेरा नाम हरी शंकर है, हरी अंग्रेजी में क्या होता है हरी अप, तो मैंने तुरंत अपनी परीक्षा रखी। आप कहे तो क्या कहें, एक अन्य कारण था जो यहाँ पर हिंदी प्रचलित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वो पुस्तकें जो पढ़ाई जाती थी उनमें कलकत्ता दिल्ली बेंगलोर उनकी चर्चा होती थी जी, लेकिन जी। आप मेरी पुस्तकें पाठ्य पुस्तक देखिए तो हिंदी विवेक मैंने 3 भाग लिखे, 2 और तैयार हैं, तो उसमें लोग पढ़ते हैं। कल मैं शगुआनस जाता हूँ, बता रहे शगुआनस मैं जानता, आई नो शगुआनस, मैं टुनापुना जाता हूँ, मैं दालपुरी खाता हूँ, अरे आई नो दालपुरी, तो वो उनमें ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने टेक्स्ट बुक्स लिखी जी। आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर लिख रहा है किताब बच्चों की, लेकिन मैं अपने को भूल गया जी। मैंने अपने को एक वृक्ष बनने के लिए किसी को बीज बनना पड़ता है और बीज को अपना अस्तित्व खोना पड़ता है, तो मैं बीज बन गया। मैंने उनको परीक्षाएं लोगों ने बड़ी आराम से पास की, फिर मैंने चेष्टा की कि सारे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी हो जाए जी। एक बात और मैं बताऊं कि मुझको भारत सरकार से जो ट्रिनिडाड सरकार से मुझे जो सम्मान मिला बहुत सम्मान मिला, यहाँ के कुछ मंत्रियों ने जी बहुत मेरा सम्मान किया और सहायता भी की जी। मैं आर्थिक सहायता किसी से नहीं लिया आज तक, मैं आज तक किसी का कृतज्ञ नहीं हूँ, मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया जबकि सरकार ने मुझको बहुत कुछ अनुदान देना चाहा जी। तो मैं कह रहा था कि तो मुझे सबसे बड़ी सहायता मिली, तो पुस्तकों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, मैं गया तो मेरे अच्छे संबंध थे सरकार से मिनिस्टर से, तो मैंने कहा हिंदी चलाओ, तो उन्होंने मिस्टर गोम्स थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आदेश जी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आदेश जी क्या आप समझते हो इतने स्कूलों के लिए हम भारत से हिंदी अध्यापक इम्पोर्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूँ पहले आप इसको सिद्धांत रूप में मान लीजिए। बोले नहीं कैसे मान लें, तब मैंने चैलेंज चुनौती, मैंने कहा 2 वर्ष में आपको अध्यापक दे दूंगा। मैंने ऑर्डनरी लेवल एग्जाम होता ना ओ लेवल लंदन का, उसके लिए विद्यार्थी तैयार किए, फिर एडवांस लेवल का किसी ने नहीं लिखा था, ए लेवल कहलाता है, तो मैंने विद्यार्थी इतने तैयार किए कि उन्होंने ओ लेवल ए लेवल, तो मैंने कहा आप तो दोगे इनको स्थान के नहीं दोगे, स्थानीय टीचर्स हैं भारत के नहीं है, तो महासभा ने स्थान दिया, आर्य समाज ने केपी कबीर पंथ ने स्थान दिया। उसमें हुआ कि उन्होंने करिकुलम में तो नहीं रखा लेकिन उन्होंने कहा तो नौकरी देने से पहले जो BBS के सर्टिफिकेट जिसके पास है हिंदी के उसको प्राथमिकता मिलेगी, और उन्होंने सारे विद्यालय अपने हमारे लिए खोल दिए अपने क्लास चलाने को, आर्य समाज ने भी खोल दिए, तो उनके स्कूलों में मैंने अपने क्लासेस चलाए और बिल्कुल निःशुल्क चलाए, कोई पैसा किसी ने लिया, लेकिन हिंदी पढ़ने कौन आता, तो मैंने देखा एक बालक एक लड़का 10-12 साल का कुछ सफाई कर रहा था पोटास पैन में वूलवर्थ के सामने, तो आगे बढ़ता था पीछे हटता था, तब डांस कर रहा था अपने कुछ गा रहा था,
अरे मैंने दर्शनी, इसमें इन लोगों की नस नस में म्यूजिक है जी। अब मैंने संगीत आरम्भ किया, संगीत पहले आरम्भ नहीं किया, फिर तो मेरी कक्षाएं भर गईं, मेरे पास स्थान नहीं था जी। गांधी टैगोर कॉलेज में दो हॉल थे, भर जाते थे जी। मॉन्टेसगोना स्कूल कुबा एंड रियो क्लारो प्रिंसेस टाउन में हर जगह जाता था जी। सरकार ने को मुझे टीए ट्रेवल अलाउंस देना था जी, नहीं दिया। मैंने कहा जो मत, मैंने कहा चिंता नहीं करो, मैंने अपने आप किया, सरकार से कहा भी मांगा भी नहीं, मैं उनको पूरी रिपोर्ट भी कभी नहीं दी जी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। जब उन्हें पता चला हाई कमीशन को जी, तो जो लोग जो क्लर्क लोग थे उनमें हमेशा कुछ प्रतिस्पर्धा होती है जी, तो कहने लगे कि ये तो महात्मा गांधी बन गए। जब मैं आया था तो हाई कमीशन से मैंने पूछा था जी, मुझे क्या करना है, बोले तो आप तो कुछ करें लेकिन आप एक हमारे लिए एक बात करें कि हमारे हाई कमीशन को लोग नहीं जानते, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जो समाचार पत्र में उसमें हाई कमीशन की चर्चा हो। आशा जी दैट वॉज नॉट ए बिग थिंग, बड़ी बात नहीं थी। मेरे लेक्चर्स में हर क्लास में मेरा पहले पढ़ाता था हिंदी फिर म्यूजिक फिर एक कंबाइंड क्लास होता था, उसमें मैं नैतिक शिक्षा देता था जी, चारित्रिक शिक्षा देता था, चरित्र निर्माण की शिक्षा देता था, तो उसमें बहुत लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे कंबाइंड क्लास की। और उसका है, उसका ये परिणाम है कि 6 महीने में यहाँ पर धर्म परिवर्तन रुक गया था। मैं गांव गांव में गया, मैं आपको बड़े मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए आप पूछे समझ को निकाल देना मेरे से, तो इस तरह से मैं गांव गांव में गया। मैंने वहाँ पर भाषण में के साथ जो इनका जो जो गुप्तचर विभाग होता है वो तो मेरे पीछे पहले दिन से था जी। तो मैंने कभी कोई धर्म नहीं पढ़ाया। मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया, मैंने भाषण किया भगवद गीता का लेके कि देखो भगवद गीता कहती है कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है जी। इस प्रकार से उसको मैंने तो लोगों में धार्मिक चेतना जगी और हिंदी आवश्यक है तो हिंदी फिर भजन, तो इस प्रकार से मैंने सारे गांव, मैंने इस देश के सारे गांव मजाए हुए हैं। जो अन्य लोग आते हैं वो केवल पोटर्स में बैठते हैं, तो उस समय मेरे लिए जो जो घर मिला था किराए का सिर्फ $90 तो मुझे किराया मिलता था बस, तो कोई घर नहीं मिला। तो फिर आ गया वहाँ से, मैं 15 दिन तक रहा होटल में, आके तो आ गया वहाँ से आदेश आ गया कि आगे पैसा नहीं दिया जाएगा होटल का जी। तो आप बताओ $90 में कहाँ मकान मिलता किराए पे। तो मुनीलाल जी जो हाई कमिश्नर है उन्हें $10 बढ़ा दिए, बोले $100। तो हमको एक हॉन्टेड हाउस, ये कहते हैं भूता हाउस, जो बहुत कई साल से उठा नहीं था वो मिला लिंडन स्ट्रीट में पहले नंबर। तो फिर हमने कहा हम चले जाएंगे, तो मुनीलाल जी को दया आ गई, बोले नहीं आपके छोटे छोटे दो बच्चे हैं आप भूता हाउस में मत जाओ। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो मुझे देख के भूत भी भाग जाएंगे। वही गया, वही मैं गया, मैंने उसका शुद्धिकरण किया कि मुझे पता है सब संस्कार के, तो करके बाहर। तो ऐसी स्थिति में मुझे एक और स्थिति बहुत नहीं बच्चा नहीं है बात कहना है। तो उन्होंने इस प्रकार से मैंने ये परीक्षाएं अपनी आरंभ की जी। ओ लेवल की परीक्षाएं करवाई लंदन की, एडवांस लेवल की परीक्षाएं करवाई, फिर साहित्य भूषण की परीक्षाएं चलाई जिसको कि हरियाणा यूनिवर्सिटी से हमको बीए के समकक्ष उसकी मान्यता मिली जी। तो ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और हमारे 3 सदस्यों से आरंभ किया था, अब 70,000 से ज़्यादा लोग निकल चुके हैं और ये अब अमेरिका कनाडा में भी इसका बहुत अधिक प्रचार है और इंग्लैंड में भी प्रचार, अब दुबई में भी प्रचार हो रहा है जहाँ हमारे शिष्य जाते हैं
वो अपने विद्यालय खोलते हैं और सब निःशुल्क काम करते हैं। एक ऐसी टीम है, हमारा एक दल है BBS, एक ऐसा परिवार है जिसमें सब ही, मैं कहता हूँ, योगी हैं, सब संत हैं। वो सब अपना समय देते हैं, अपना परिश्रम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेता, और सब एक 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 ऐसा संगठित परिवार है। ये कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक परिवार है जी। इस प्रकार से आज हजारों लोग, अब आपको एक आश्चर्य होगा, मैं दीपक जी के पास एक दो पुस्तकें भेजने वाला हूँ, तो मैंने आते ही 1973 में एक पुस्तक का संकलन किया, मेरी पत्नी ने संपादन किया, तो उसमें टेंडाट के प्रथम हिंदी साहित्य साधक, तो उसको करके फिर मिसेज गांधी को भेंट किया था, पहला विश्वविद्यालय सम्मेलन नागपुर में हुआ, तो उनका बड़ा अच्छा आया उत्तर। अब दूसरी पुस्तक तैयार है जिसमें आपकी भी एक कविता मैंने ली है, वो उभरते क्षितिज, तो वो दोनों पुस्तकें मैं से पूर्व कि मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं दीपक जी के पास भेजूंगा कि वो उनको कैरिबियन से लगाव है, कैरिबियन का काफ़ी, अन्यथा मेरे पास और प्रकाशक भी हैं ताकि वो इसके साथ न्याय कर सकें और प्रकाशित करें। तो इस प्रकार से BBS अब इस समय हिंदी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, संस्कृत भाषा में पढ़ाई और पढ़ाते हैं अभी भी, और भारतीय विद्या भवन बॉम्बे के कोविड तक की परीक्षा फाइनल, तो हमारी संस्कृत कक्षाएं भी चल रही हैं अभी भी, और इस प्रकार से दर्शन की परीक्षाएं चल रही हैं, और हम धर्म शिक्षा विवेक नाम से एक सीरीज, हमने अभी तक 4 पुस्तकें लिखी हैं, अगर ईश्वर ने आई दी और तो मैं और अधिक लिखूंगा। तो ये हर क्षेत्र में BBS का, और उसमें आदेश आश्रम जो है वो हमारा इसका जो मुख्य कार्यालय है, ये आदेश आश्रम धर्म से संबंधित है, भारतीय संस्थान संस्कृति से संबंधित है, एक नई संस्था हमने तैयार की है, संत समाज, जिसमें कि जो लोग जाते हैं अब अस्पतालों में, जो मरीज हैं लोग, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, तो ऐसा बहुत कुछ कार्यक्रम है। अब आप भी थक जाएंगी सुनते सुनते, इसलिए मैं इस गाथा को बंद करता हूँ, लेकिन संस्थान एक ऐसी संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था, इसका देश विदेश में बहुत इसका सम्मान है, नाम है, मेरे जाने के बाद भी ये चलती रहेगी। जी अवश्य अवश्य चलती रहेगी, बिल्कुल। आपने बहुत सारे नेक कार्य ट्रिनिडाड में किए हैं, आपका नाम तो यहाँ हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। मैं विश्व रंग 2020 की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। जब मैं अनुभव नहीं हुआ, कितने देर बोल गया, तो जब भी आप कहें, जब तक प्राण है शरीर में, मैं हिंदी की सेवा में उपस्थित हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और विश्व रंग संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ, और भगवान करे संस्था खूब प्रगतिशील हो। नमस्ते।